जैसा कि ड्रैगन बॉल जी के बाद ड्रैगन बॉल के टाइमलाइन के अपने पास यहाँ पर दो सीक्वल्स हैं, एक तो ड्रैगन बॉल सुपर जिसको खुद अकीरा टोरियामा ने क्रिएट किया है, एंड सेकंड वन ड्रैगन बॉल जीटी जिसको टोई एनिमेशन के कुछ राइटर्स ने अपने आइडिया से क्रिएट किया है। वैसे होने को तो ड्रैगन बॉल जीटी की स्टोरी लाइन भी काफ़ी कमाल की है, बट इसकी स्टोरी लाइन उतनी बेटर नहीं है जितनी एक्चुअली में ड्रैगन बॉल सुपर की है। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब गोकू यहाँ पर ओमेगा शेनरॉन के साथ बैटल कर रहा था, तब ये पॉइंट एकदम क्लियर था कि ओमेगा शेनरॉन गोकू की लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। इस टाइम गोकू सुपर सेन के लेवल 4 पर था, बट वो अपने फुल पावर के साथ भी यहाँ पर एक्चुअली में ओमेगा शेनरॉन के आगे कुछ नहीं था। इस टाइम गोकू ने सुपर सेन 4 वेजिटा के साथ भी टीम अप करके यहाँ पर ओमेगा शेनरॉन को डिफीट करने की कोशिश की थी, बट यार ये सब टोटली बेकार था। ओमेगा शेनरॉन का पावर लेवल इन दोनों वॉरियर्स के मुकाबले एकदम डिफरेंट लेवल पर था। इस टाइम गोकू एंड वेजिटा के पास ओमेगा शेनरॉन को यहाँ पर डिफीट करने का केवल एक ही ऑप्शन था, और वो था फ्यूशन डांस से क्रिएटेड सुपर सेन 4 गोजिटा ने यहाँ पर ओमेगा शेनरॉन को टोटली ओवर पावर तो कर दिया था, बट कुछ रीजंस के चलते गोजिटा भी ओमेगा शेनरॉन को फिनिश नहीं कर पाया था। इसके बाद जब गोकू ओमेगा शेनरॉन की नेगेटिव एनर्जी बॉल से हिट होता है, तो यहाँ पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर गोकू ओमेगा शेनरॉन के इस वाले अटैक से कैसे बच गया, क्योंकि ओमेगा शेनरॉन का ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और इस टाइम गोकू की बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर एनर्जी थी। बट अपन इस सीन को थोड़ा और ढंग से एनालाइज करें और इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा सुपर सीक्रेट पता चलता है जिसके बारे में आई थिंक आप में से किसी को पता नहीं होगा। इस मिस्ट्री का आंसर अपन को ड्रैगन बॉल एएफ के बोनस चैप्टर के अंदर मिलता है, जो कि वाकई में एक अमेजिंग फैन मंगा है। ड्रैगन बॉल एएफ के इस बोनस चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि ओमेगा शेनरॉन के उस अटैक के हिट होने के बाद गोकू के साथ एक्चुअली में क्या हुआ और ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल जीटी के बाद गोकू को शेनरॉन के साथ जाना पड़ा। क्योंकि गोकू ने ओमेगा शेनरॉन के साथ अपने लास्ट बैटल के अंदर अपनी सारी की सारी एनर्जी को यूज कर लिया था, तो यहाँ पर जब ओमेगा शेनरॉन की नेगेटिव एनर्जी बॉल जैसे ही गोकू को हिट करती है, तब गोकू इस धमाके की वजह से यहाँ पर एक्चुअली में आफ्टर लाइफ में चला गया था। देन गोकू के स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़कर जैसे ही बाहर निकलती है, तब गोकू को एक्चुअली में रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर एक्चुअली में मर चुका है। क्योंकि गोकू ऑलरेडी आफ्टर लाइफ में कई बार जा चुका था, तो इस तरह आफ्टर लाइफ में जाना गोकू के लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके बाद शेनरॉन अचानक से गोकू के जस्ट पीछे अपीयर होता है। यहाँ पर शायद ओमेगा शेनरॉन के उस अटैक की वजह से गोकू के साथ शेनरॉन भी आफ्टर लाइफ में चला गया था। देन शेनरॉन गोकू को एक्सप्लेन करता है कि वो भी यहाँ पर मर चुका है, बट वो एक्चुअली में मरा नहीं है। शेनरॉन बताता है कि ओमेगा शेनरॉन ने केवल उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है, बट वो अभी भी स्पिरिचुअल फॉर्म के अंदर है और वो अभी भी वो सारे के सारे काम कर सकता है जिनको वो अपनी बॉडी के साथ कर पाता था। ये सुनकर गोकू काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, बट मेरे आइडिया से यहाँ पर शेनरॉन कहना चाहता था कि वो लाइफ एंड डेथ दोनों के टोटली बियॉन्ड है। देन इटर्नल शेनरॉन गोकू को यहाँ पर अपनी दो फाइनल विशेस के बारे में बताता है, क्योंकि शेनरॉन ने गोकू एंड उसके दोस्तों की कई बार हेल्प की थी, तो गोकू बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर शेनरॉन के विशेस को सुनने के लिए तैयार था। इसके बाद शेनरॉन अपनी फर्स्ट विश के रूप में यहाँ पर गोकू से ओमेगा शेनरॉन को डिफीट करने के लिए बोलता है, क्योंकि गोकू भी इस टाइम आफ्टर लाइफ के अंदर था। तो गोकू बताता है कि वो इस टाइम मर चुका है, मतलब वो अदर वर्ल्ड में जाकर बैटल नहीं कर सकता। ये सुनकर शेनरॉन बताता है कि वो अपने रिमेनिंग पावर को यूज करके उसे वापस रिवाइव कर सकता है, बट वो उसे परमानेंटली रिवाइव ना करके केवल कुछ मिनट्स के लिए रिवाइव कर पाएगा। शेनरॉन की सेकंड विश यहाँ पर थोड़ी सी अजीब थी। शेनरॉन अपनी सेकंड विश के रूप में गोकू से एक्चुअली में उसकी बॉडी को मांगता है, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ गोकू की बॉडी के अंदर रहकर एक्चुअली में रियोशिन काई लौट सके। रियोशिन काई एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पर शेनरॉन वगैरह रहा करते थे। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आखिर गोकू ड्रैगन बॉल जीटी के बाद शेनरॉन के साथ क्यों चला गया था। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट
चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।